नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं आज की ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं पानीपत में किसानों की ओर से आयोजित महापंचायत में बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 10 महीनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान 10 साल तक आंदोलन करने को तैयार हैं, लेकिन काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। टिकैत ने किसानों से कहा कि अपने ट्रैक्टर तैयार रखो, दिल्ली में कभी भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम समाज के सभी वर्गों से भारत बंद में शामिल होने का आग्रह करते हैं। यह आंदोलन सभी के लिए है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 नए कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। यह बंद सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किसान संगठनों के भारत बंद पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का विकल्प चुनना चाहिए। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए तोमर ने कहा कि मैं किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर चलने की अपील करना चाहता हूं। सरकार उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। पहले भी कई बार चर्चा हुई है, इसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो सरकार निश्चित रूप से बात करने के लिए तैयार है। तोमर ने जोर देकर कहा कि किसानों का विरोध राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान सभी के हैं और किसान आंदोलन को राजनीति से जोड़ा जाना नहीं चाहिए। सरकार ने किसान संघ के साथ बहुत संवेदनशील तरीके से बातचीत की है और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए तैयार है। उधर यूपी में गुर्जर शब्द पर कालिख पोतने का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर गुर्जर समुदाय के लोगों ने दादरी में महापंचायत की। महापंचायत में लोगों का गुस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर फूटा। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि हमने सरकार को अपना पैगाम पहुंचा दिया है और अब अपमान नहीं सहेंगे। दादरी में आयोजित महापंचायत में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 9वीं शताब्दी के राजा मिहिर भोज की प्रतिमा पर लगी पट्टिका से जानबूझकर गुर्जर शब्द हटाया गया है। महापंचायत में मौजूद रहे गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस महापंचायत के जरिए सरकार को साफ संदेश देना चाहते हैं कि एक शब्द को हटाना समाज का अपमान है और ये अपमान अब और नहीं सहेंगे। बता दें, बीते 22 सितंबर को दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था, लेकिन आरोप से कुछ समय पहले ही कुछ अराजक तत्वों ने गुर्जर नाम के ऊपर कालिख पोत दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत रविवार को कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद समेत 7 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में जितिन प्रसाद, पलटू राम, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत, संजीव कुमार गौड़ और दिनेश खट्टिक को मंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रसाद को कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बता दें, पूर्व में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार के तहत मंत्री पद दिया जाना तय माना जा रहा था। इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री समेत 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री थे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को राज्य मंत्री परिषद का पहला विस्तार किया। राजभवन में आयोजित एक समारोह में शपथ लेने वालों में ब्रह्मा मोहिंद्र, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्ति राजेंद्र सिंह बाजवा, अरुण चौधरी, सुखविंदर सिंह सरकारिया और राणा गुरजीत सिंह शामिल थे। इसी के साथ ही राजिया सुल्ताना, विजय इंटर सिंगला, भारत भूषण आंसू, रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, संगीत सीगल जिया, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और गुरकीरत सिंह कोटली ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें, अमरिंदर सिंह के त्यागपत्र के बाद चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने सोमवार को शपथ ली थी। वहीं आईपीएल 2021 फेज 2 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई के मैदान में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2021 में प्ले ऑफ में पहुंचने की होड़ से बाहर हो चुकी है और इस टीम को अभी भी 5 मैच और खेलने हैं। ऐसे में यह कई टीमों का समीकरण बिगाड़ सकती है, इसलिए सोमवार को होने वाले मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हैदराबाद के खिलाफ सावधान रहने की जरूरत होगी।
बता दें राजस्थान के अभी 9 मैचों में 8 अंक हैं। वहीं रविवार को हुए डबल हेडर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को 54 रनों से करारी मात दी। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,326 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,36,52,745 पर पहुंच गया। बता दें पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 260 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,46,918 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,03,476 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।